खबर और जनता के मुद्दे होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनादेश नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की और साथ ही बताएंगे कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। इसी के साथ खेल जगत, संस्कृति और आर्थिक जगत की भी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश के लालगंज में चुनावी सभा में गर्जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कोई सीएए नहीं खत्म कर सकता। हजारों शरणार्थी परिवार अनाथ की तरह रह रहे हैं, उनके पास होगी पहचान। बीजेपी के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार, जेपी नड्डा ने भुवनेश्वर में किया रोड शो, अमित शाह की सीतामढ़ी और मधुबनी में जनसभा तो कौशाम्बी में योगी आदित्यनाथ की रैली। विपक्षी दल भी कर रहे जमकर चुनाव प्रचार, लखनऊ में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने की संयुक्त प्रेस वार्ता और मायावती समेत बाकी दल के नेता भी कमर कस कर तैयार। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले पर अरविंद केजरीवाल ने साधी चुप्पी, लखनऊ में पीए विभव सिंह के साथ आए नजर। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा देश में और भी हैं मुद्दे, भाजपा ने साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी के चरित्र में झूठ, मक्कारी और धोखा। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को आज ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में किया पेश, कोर्ट ने 6 दिनों के रिमांड पर लेने पर दी सहमति, ईडी ने मांगी थी 10 दिनों के लिए रिमांड। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में आज से फिर भीषण गर्मी के आसार, 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। वहीं केरल के 9 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट, तमिलनाडु में भी भारी बारिश का दौर। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व के आयोजन की जोरदार तैयारी, पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर भी होगा लॉन्च। और भारत के फुटबॉल आइकन सुनील छेत्री ने किया संन्यास का ऐलान, 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ खेलेंगे आखिरी मैच, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी जानकारी। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। परीक्षा से लेकर भर्ती तक नई और पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाने में जुटी है। पहले केंद्र सरकार के ग्रुप सी डी की भर्तियों में इंटरव्यू होते थे, मोदी ने यह खत्म कर दिया ताकि युवाओं को बेवजह की परेशानी ना हो, पारदर्शिता के साथ उनका चयन हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमने बड़ा फैसला लिया, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहले सिर्फ अंग्रेजी में होती थी, अगर आपका बच्चा स्कूल में अंग्रेजी में पढ़ा है तभी उसको आगे जाने का कोई खिड़की खुलती है। अब मुझे बताइए भाई, एक गरीब मां का बेटा, गरीब मां की बेटी, बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने कहां जाएगी? अंग्रेजी पढ़ाने के पैसे कहां से लाएगी? तो क्या मेरा दलित का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा क्या?
मेरे पिछड़े का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने तय कर लिया, अब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप अपने गांव की भाषा में पढ़ करके आएंगे तो भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, गरीब मां की बेटी भी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। अब हमने हिंदी में पढ़ाई और हिंदी में परीक्षा, ये रास्ता खोल दिया है। लेकिन आप जानते हैं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसका भी विरोध करते हैं। ये लोग आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते। साथियों, भाजपा युवाओं की आकांक्षाओं को समझती है, उनके लिए काम करती है। ये भाजपा है जिसने मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया। हमने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून की मोदी सरकार ने बनाया है। ये हमारी सरकार है जो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। हम रिकॉर्ड संख्या में आईआईटी, आईआईएम, एम्स बना रहे हैं और इस महाअभियान का सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को मिल रहा है। भाइयों और बहनों, इस चुनाव में देश के सामने दो मॉडल है। एक तरफ हम लोग हैं, मोदी है, भाजपा है, एनडीए है। हम लोगों का रास्ता क्या है? हम लोगों का रास्ता है संतुष्टिकरण, हर किसी को संतुष्ट करना, संतोष देना। और दूसरी तरफ सपा हो, कांग्रेस हो, गमंडिया गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट। देश में जब सपा कांग्रेस का तुष्टीकरण मॉडल चलता था तो सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवारों का ही लाभ हुआ। सामाजिक न्याय पर, उस नाम पर गरीब, दलित, पिछड़ों के साथ छल हुआ है, छल अपराध हुआ है। कच्चे घर, गंदा पानी, खुले में शौच, न जाने कितने अपमान, बिजली गैस का अभाव। जरा कोई इस बच्चे से फोटो ले लीजिए, उस बच्चे को इतने प्यार से आया है। बेटे थोड़े आगे आ जाओ, तुम बेटा आगे आ जाओ थोड़ा। जरा एसपीजी वाले आप उसको बेचारे को परेशान मत करो। देखिए कितना बढ़िया स्केच बना के लाया है। वाह, खुद बनाते हो बेटा? खुद बनाते हो? हैं? तो अच्छा, पीछे तुम्हारा नाम लिखा है, पीछे तुम्हारा नाम पता लिखा है? हाँ, तो मैं चिट्ठी लिखूंगा तुझे। देखिए तुम इतना अच्छा बनाते हो तो पढ़ाई भी उसी में करना, तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। करोगे? साथियों,
गरीब को कैसे अभाव में जीना पड़ता था, बिजली नहीं, गैस के चूल्हे का तो सवाल नहीं, राशन नहीं, अस्पताल में इलाज नहीं, नौजवान के लिए पलायन करने के सिवाय कोई चारा नहीं, और वो वहां जहां जाते थे वहां भी चैन से नहीं रह सकते थे। उनकी पीठ पीछे यहां दबंग माफिया घर और जमीन पर कब्जा कर लेते थे। तो उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री की ये दूसरी जनसभा है। आजमगढ़ के बाद वो जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा जनता से कि देश के सामने इस समय दो मॉडल हैं। एक मॉडल एनडीए का, जो संतुष्टिकरण, उन्होंने संतुष्टिकरण को भी बताया। उन्होंने कहा कि सबके साथ न्याय और न्याय के जरिए सबको संतुष्ट करना। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और वो गठबंधन है जिसका एक ही लक्ष्य है तुष्टिकरण। तुष्टिकरण में उन्होंने कहा कि जनता के साथ अभाव, दलितों के साथ भेदभाव, इस तरह का जो एक पूरा उन लोगों का कार्यकाल रहा, ये दो तुलना उन्होंने की है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री आज आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ में यहां से अपनी तमाम जनसभाओं के साथ 13 सीटें जो पूर्वांचल की हैं छठे और सातवें दौर में जिसमें मतदान होना है, उन सीटों के समीकरणों को साधेंगे। आइए और बताते हैं आपको 24 की चुनौती से ही जुड़ी कुछ और खबरें भी। प्रधानमंत्री ने लालगंज उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली की। उन्होंने सीएए कानून के तहत शरणार्थी सिख, बौद्ध, जैन, पारसी हिंदुओं को भारतीय नागरिकता मिलने पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चलते इन लोगों की सुध नहीं ली। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार प्रताड़ना झेल करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया। लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूद नहीं ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुखद है कि जिन लोगों पर जुल्म हुआ उन पर कांग्रेस ने भी देश में अत्याचार करने में कमी नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब कोई भी ताकत सीएए को नहीं हटा सकती। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सांप्रदायिक तुष्टीकरण करने और देश को दंगों की ओर झोंकने के आरोप लगाए। सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को
दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा लड़ा करके और सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है, ये आपका नकाब। आप डोंगी है, आप सांप्रदायिक है, आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। और निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और जानकारी के लिए। निशांत, प्रधानमंत्री ने बहुत खुलकर, कड़े शब्दों में या फिर खुले शब्दों में आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम उन दलों का एक तरह से विरोध करा जिन्होंने सीए को लेकर एक गलतफहमी पैदा की थी, जहां एक तरफ सीए उन तमाम धार्मिक प्रताड़ना झेल कर आ चुके पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से वो लोग हैं जो एक लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे थे, उनके लिए नागरिकता का एक रास्ता खोला गया, लेकिन तुष्टीकरण के कारण किस तरह से सीए को पूरा निशाना बनाया गया। क्या लगता है कि चुनाव 5वें चरण में जा रहा है, क्या सीए एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है अब आगे के लिए? देखिए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लालगंज लोकसभा में जिस तरीके से सीए को लेकर विपक्ष को घेरा है, इसमें दो राय नहीं है। बीजेपी सीए को एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है और जिस तरीके से धार्मिक प्रताड़ना को झेलकर जो लोग अन्य मुल्कों से भारत में आए हैं और भारत की नागरिकता का लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उनको नागरिकता देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इस उपलब्धि को बताते हुए उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष ने इसको पूरी तरीके से घेरा था, उस पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को लेकर भी सवाल खड़े किए कि राम मंदिर को लेकर जो कांग्रेस की तरफ से तीखा टिप्पणी की गई थी, उस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। और खासकर द्वारका का उन्होंने अपने दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरीके से कांग्रेस ने उनका मजाक बनाने का काम किया था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव खुद को यदुवंशी कहते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करने पर अगर प्रधानमंत्री का मजाक बनाया जाता है, तो इस पर उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों को कटघरे में खड़ा किया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लालगंज लोकसभा में प्रधानमंत्री ने उन तमाम मुद्दों को छुआ जो आम आदमी से सीधे तौर पर कनेक्ट करता है। और जब प्रधानमंत्री अपनी ये बातें कह रहे थे, तब यहाँ पर कार्यकर्ता जो बीजेपी के थे या जो जनता थी, काफी उत्साहित नजर आ रही थी और जोर जोर से प्रधानमंत्री के लेकर नारे लगा रही थी। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री लगातार जो देश भर में रैलियां कर रहे हैं, उसमें एक प्रमुख ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका असर जनता पर सीधा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लालगंज लोकसभा 2019 में बीजेपी हारी थी, आजमगढ़ लोकसभा 2019 में बीजेपी हारी थी और प्रधानमंत्री अभी फिलहाल में जौनपुर हैं, जौनपुर भी बीजेपी 2019 में चुनाव हारी थी। ऐसे में इन तीनों अगर लोकसभाओं की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। आजमगढ़ हालांकि बीजेपी ने उपचुनाव में जरूर जीता था 2022 में, लेकिन आजमगढ़, लालगंज और जौनपुर लोकसभा की बात करें तो बीजेपी इस समय पूरी ताकत लगा रही है, जिस ताकत के पीछे सबसे बड़ा अगर मजबूत हाथ कहा जाए तो बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, बिल्कुल निशांत, आजमगढ़ से और जौनपुर से प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल की उन तमाम सीटों के समीकरणों को साधने के लिए कई ऐसे बड़े मुद्दे भी जनता के सामने रखे हैं। मसलन, उन्होंने बहुत साफ एक तरह से दो लाइन खींची, उन्होंने सीए को लेकर भी जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है, ये दिखाता है कि देश में रहने वाले तमाम वो शरणार्थी जो एक लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे थे, उनको अब नागरिकता मिलनी की शुरुआत हो चुकी है, कल से इसकी शुरुआत हुई है। ये एक तरह से एक बड़ा कदम मौजूदा सरकार का है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत पूरी जानकारी के लिए। और बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज बिहार में एनडीए के 400 पार वाले
नारे को मजबूती देते नजर आएंगे। यहाँ अमित शाह की दो जनसभा होगी। सबसे पहले अमित शाह सीतामढ़ी में जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मधुबनी में भाजपा उम्मीदवार अशोक यादव के समर्थन में रैली करेंगे। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा में अपने प्रचार अभियान का आगाज भुवनेश्वर में रोड शो से किया। जेपी नड्डा बारागढ़ और सुंदरगढ़ में भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने वाले हैं। ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस के बीच है। ओडिशा के भुवनेश्वर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि इस बार ओडिशा की जनता ने भाजपा को काम और नवीन बाबू को आराम देने का मन बना लिया है। हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास बात की। और आइए आपको बताते हैं, अभी जो खबर आ रही है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार को भेजा समन। आयोग ने विभव कुमार को कल पेश होने के लिए बुलाया है। विभव कुमार पर दिल्ली में सीएम आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप लगा है। आयोग ने विभव कुमार को कल पेश होने के लिए बुलाया है। गिरीश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। गिरीश, ये जो एक तरह से संज्ञान लिया गया है या फिर ये एक तरह से शिकायत पहुंची है महिला आयोग तक? देखिए ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से ये मामला अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर ये कथित घटना हुई, जहां पर जो स्वाति मालीवाल है अभी फिलहाल जो राज्यसभा की सांसद हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, लेकिन दिल्ली महिला आयोग की वे खुद भी अध्यक्ष रही हैं, उनको लेकर अब जिस तरह से ये कथित घटनाक्रम सामने आया, इसको देखते हुए अभी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने नोटिस भेजा है विभव कुमार को और कल पेश होने को कहा है कि किसी भी महिला के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार नहीं किया जा सकता, उनको सामने पेश होकर अपनी सारी जानकारी देनी होगी राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष। हालांकि अगर आज की बात की जा रही तो आज जो विभव कुमार हैं वो दिल्ली में नहीं हैं, उन्हें जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं अपने साथ लखनऊ लेकर गए हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने लखनऊ में एक मीटिंग भी की है। तो कल कहीं ना कहीं जो विभव कुमार हैं उनको राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ऋतु मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, उसकी वजह यह है क्योंकि जिस तरह से स्वाति मालीवाल पर हमला होता है उसको लेकर कोई नहीं बोला, इसको लेकर जो पूर्व विधायक हैं आम आदमी पार्टी के वो भी विरोध जताने लगे हैं। उनका कहना है कि जब पार्टी के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है तो हम अन्य महिलाओं की कैसे गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार स्वातिमाल के साथ इस तरह की घटना हुई, हालांकि स्वातिमाल सिविल लाइन पुलिस स्टेशन भी पहुंची थी, उन्होंने उस समय एक फोन भी किया था, तो इन तमाम बातों को लेकर अंदर अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका सभी का ये कहना है, ज्यादातर जो पूर्व विधायक हों या वर्तमान विधायक हों उनमें काफी लोगों का यही कहना है, जैसे कि मेरी भी कई लोगों से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि हमारी पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन अगर अंदर खाने हमारी जिस तरह से महिला आयोग की दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल रही हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही तो हम अन्य महिलाओं की क्या गारंटी ले सकते हैं, इसको लेकर एक बड़ा सवाल हो गया है। लेकिन फिलहाल इस समय की सबसे बड़ी एक खबर यही है कि कल विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश होना पड़ेगा और अपनी जो तमाम बातें हैं वो रखनी पड़ेगी, क्या घटनाएं हुई, क्या घटना नहीं हुई, क्या बातें हुई, वो तमाम बातें सामने रखनी होंगी। लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये नोटिस जारी कर विभव कुमार को कल पेश होने के लिए कहा है। गिरीश, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी अरविंद केजरीवाल इस सवाल पर बचते दिखाई दिए, उन्होंने जब सवाल उनसे ये पूछा गया तो इस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। हालांकि हम ये भी जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरी घटना को, क्योंकि स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद है, एक महिला के साथ जिस तरह की बदसलूकी हुई है और उस महिला ने एक कंप्लेंट अपनी भले ही लिखित ना लिखाई हो लेकिन उन्होंने फोन करके इस बात का जिक्र किया और ये कहा कि उनके साथ जिस तरह की बदसलूकी मारपीट हुई है,
क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया या उन तक स्वाति मालीवाल ने यह शिकायत की और उसके बाद ये कदम है? देखिए, अभी जो उनको राष्ट्रीय महिला आयोग है और उसको अंदर खाने कुछ शिकायतें प्राप्त हुई और उसका संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये नोटिस जारी किया है विभव कुमार को कि वे कल उनके सामने पेश हों और वो तमाम बातें रखें, क्या घटना हुई, क्या घटनाक्रम रहा, क्योंकि ये एक साधारण महिला की बात नहीं है। एक ये महिला जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष खुद रही हैं, जिन्होंने महिलाओं की लड़ाई दिल्ली के अंदर लड़ रही थी, अब वो उनके साथ अगर इस तरह की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं एक दूर तक एक मैसेज जाता है कि दिल्ली के अंदर जो VVIP महिलाएं वो सुरक्षित नहीं है, तो साधारण महिलाओं का क्या होगा। इसको देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने खासतौर पर ये संज्ञान लिया है और नोटिस भेजा है विभव कुमार को कल वो उनके समक्ष पेश हों, क्योंकि जिस तरह से अगर स्वाति मालीवाल के पूर्व पति की बात की जाए तो उन्होंने जो जयहिंद है उन्होंने भी आरोप लगाया है, जिस तरह की शख्सियत रही है, राज्यसभा की सांसद है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं और एक बुलंद महिला कही जाती हैं, एक आवाज अपनी बुलंद करती रही हैं, फिर वो इस पूरे मामले पर क्यों इस तरह से एक तरह से थोड़ी खामोश दिखाई दे रही हैं, इस पर भी खुलासा कल होगा जब राष्ट्रीय महिला आयोग में विभव कुमार की पेशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश। एक और बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग ने कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को नोटिस भेजा है, पार्टी के इन प्रत्याशियों पर घर घर गारंटी कार्ड बांटने का आरोप है। आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस में धारा 171 क्रिमिनल केस को लगाने का जिक्र किया गया है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग आपराधिक धारा इस वजह से लगा रहा है जिससे कि जीतने वाले नेता की सदस्यता खारिज कराई जा सके। ये बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग ने कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को नोटिस भेजा है और चुनाव आयोग का ये नोटिस कांग्रेस प्रत्याशियों के घर घर गारंटी कार्ड बांटने का आरोप है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने यह नोटिस दिया है और नोटिस में धारा 171 यानी कि क्रिमिनल केस को लगाने का जिक्र किया गया है, जिस पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये चुनाव आयोग इसलिए भेज रहा है कि उनके उम्मीदवारों की सदस्यता पर कोई सवाल उठाया जा सके। तो एक आरोप कांग्रेस के नेता भी लगा रहे हैं और इसी खबर पर हम लौटेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इस खबर पर विस्तार से होगी चर्चा। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। भैया, जितने पैसों में मोदी जी ने करोड़ों आवास बना दिए, करोड़ों घरों में मुफ्त बिजली पानी कनेक्शन पहुंचा दिए, उससे कहीं ज्यादा पैसे तो वो पहले वाले 60 साल में अपने घर ले गए। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा लूट के ले गए। नोट गिरते गिरते मशीन थक कर हार कर खराब हो गई, दूसरी बड़ी मशीनें मंगवानी पड़ी। मैंने सोचा याद दिला दूं आपको कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है। और आइए एक बार फिर लौटते इसी खबर पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ पहुंचे, इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े विवाद के मुद्दे पर भी सवाल पूछा गया, लेकिन केजरीवाल ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ये कहते हुए सवाल को टाल दिया कि स्वाति मालीवाल से मुद्दे के अलावा और जरूरी मुद्दे हैं। सुनिए क्या कहा।
अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आप क्यों जी आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक? अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में आए हैं, आज आपके साथ में भी आए हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर शीश महल में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई, जिसका आरोप लगा खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव रहे विभव कुमार पर। ये तीनों ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिनों से ही साथी रहे हैं। अब आपके एक अन्य राज्यसभा सांसद संजय सिंह को DCW की सदस्य वंदना सिंह के साथ स्वाति मालीवाल के घर भेजा गया ताकि वो मांडवली कर सके। इस बीच एक अंग्रेजी न्यूज चैनल ने बुधवार की शाम स्वाति मालीवाल की मां से बात की है, जिन्होंने कहा है कि उनकी बेटी फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है। स्वाति मालीवाल ने इस घटना के बाद एक ट्वीट तक नहीं किया है, जबकि वो सोशल मीडिया पर खासी सक्रिय रहती थी। क्या स्वाति मालीवाल को धमकाया जा रहा है? इस सवाल के जवाब में उनकी मां ने कहा है कि वो लोग अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि कौन लोग हो सकते हैं जो उनकी बेटी को धमकी दे रहे हैं, तो स्वाति मालीवाल की मां ने कहा ये उसकी लड़ाई है और वो तभी बोलेगी जब सही समय होगा। स्वाति मालीवाल की मां ने अपने स्वास्थ्य और अपनी बेटियों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं है और उनकी बेटी बात करने की स्थिति में नहीं है। स्वाति मालीवाल की मां ने इस दौरान मीडिया को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कठिन समय में मीडिया ने उनके परिवार का समर्थन किया, जिसके लिए वो कृतज्ञ हैं। और आइए इन तस्वीरों को देखिए। लखनऊ एयरपोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। ये वही विभव कुमार हैं जो आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट के कारण चर्चा में आए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यहां संजय सिंह भी इनके साथ हैं, जिन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने मालीवाल के साथ मारपीट के मुद्दे को संज्ञान में लिया है और वो उस पर कार्रवाई करेंगे। और स्वाति मालीवाल पर के इस पूरे मामले पर लखनऊ में रामेंद्र सिंह और दिल्ली से गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेंद्र, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। एक तो एक तरह से अगर इस पूरे मामले को हम देखें, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने जो मारपीट की, बदसलूकी की, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि मामला कितना बड़ा दिल्ली में है, विभव कुमार को लखनऊ तक अपने साथ ले जाना, ये क्या बताता है? साथ ही साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अखिलेश यादव भी इस बात को कहते हैं कि स्वाति मालीवाल से बड़े बहुत से मुद्दे हैं, तो क्या ये दोनों ही की एक मानसिकता दिखाता है महिलाओं के प्रति, उस असंवेदनशीलता को दिखाता है जिसका कई उदाहरण समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले भी आ चुके हैं महिलाओं के मामले में? रामेंद्र, ऋतु, महिला का सम्मान और महिला की इज्जत, महिलाओं के साथ मारपीट, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। ये 50% आबादी है जो आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भेजती है, और इस मुद्दे पर असंवेदनशील होना दोनों दलों को दिखाता है कि इनके लिए महिला का क्या स्थान है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल से जब सवाल किया गया तो चुप्पी साध गए और जी रामेंद्र, हमारे साथ गिरीश भी जुड़े हुए हैं। गिरीश, आज क्यों बदले से अरविंद केजरीवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए, तमाम मसलों पर बढ़ चढ़कर बोलने वाले, और किसी भी मामले पर अगर वो घिरते हैं तो उसकी सफाई बहुत तेजी से वो देते हैं, और सफाई देने के उनके तरीके एक तरह से वीडियो मैसेज भी हैं, वीडियो संदेश भी हैं। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, तब आखिर क्या वजह है कि स्वाति मालीवाल के इस पूरे मामले पे अरविंद केजरीवाल को क्या डर है और अरविंद केजरीवाल क्यों इतने शांत और चुप हैं? देखिए ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखी होगी तो उसमें देखा होगा आपने, उन्होंने तमाम बातें बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ रखी थी, अपनी बातें सामने रख रहे थे, इंडिया गठबंधन की बातें कर रहे थे, लेकिन जब सवाल उनकी पार्टी पर और महिलाओं की सुरक्षा पर आया, यानी कि स्वाति मालीवाल पर आया, तो वो उस सवाल से बचते हुए नजर आए। हालांकि उनका चेहरा साफ दिखा रहा था कि किस तरह से उस सवाल ने उनको पूरी तरह से झकझोर के रख दिया था। हालांकि उनका बचाव करते हुए अखिलेश यादव जरूर सामने उतरे कि उन्होंने कहा कि अन्य मुद्दे बहुत से हैं उसके अलावा, यानी कि जो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है वो उनकी पार्टी में शायद कहीं दिखाई नहीं दे रही, और
जब महिला की सुरक्षा मुख्यमंत्री निवास पर हो तो ऐसे में सवाल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में उस सवाल से बचने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बचते नजर आए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया। हालांकि उनके साथ उनके पीए साथ में ही हैं विभव कुमार, और उनको कल दिल्ली के अंदर पेश होना पड़ेगा। लेकिन ये मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि जो अंदर खाने हैं वो आम आदमी पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि उनके अंदर खाने जो लोग हैं वो भी सवाल उठाने लगे। गिरीश, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बस से लेकर सड़क तक सीसीटीवी कैमरे लगवाने से लेकर तमाम कार्रवाइयों पर बड़े बुलंद रहे हैं, बहुत बड़े बड़े एक तरह से दावे भी किए हैं और उन दावों पर उतरे भी हैं अपने लिहाज से इस दिल्ली में। फिर आखिर क्या बात, क्या वजह लगती है कि स्वाति मालीवाल जैसी एक मजबूत महिला, एक वोकल महिला जो रही है तमाम मसलों पर, और अरविंद केजरीवाल के साथ एक लंबा एक तरह से इस पूरे आम आदमी पार्टी की स्थापना से लेकर अभी तक के सफर में स्वाति मालीवाल उन चेहरों में से हैं जो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर अरविंद केजरीवाल के साथ रही हैं। फिर आखिर क्या वजह है कि आज जब सवाल पूछा गया तो न वो सिर्फ असहज हुए बल्कि उन्होंने माइक भी अखिलेश यादव की तरफ बढ़ा दिया, यानी कि उन्होंने साफ ये कह दिया था, वो जवाब में कुछ कह सकते थे लेकिन उनके पास कुछ कहने को नहीं था ऐसा लग रहा था। देखिए, वो इस सवाल से पूरी तरह से बचते नजर आए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, खास तौर पर क्योंकि देखिए ये मामला पूरा का पूरा मुख्यमंत्री निवास का है, जहां पर विभव कुमार मौजूद थे, जहां पर स्वाति मालीवाल मौजूद थी जो पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, और कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल ने पूरा कंधे से कंधे मिलाकर अरविंद केजरीवाल का साथ दिया है। महिलाओं की बड़ी बड़ी उन्होंने बात की है, महिलाओं के लिए वो लड़ाई लड़ती रही है, लेकिन वो जब महिलाओं की लड़ाई जरूर लड़ रही है लेकिन वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो पूरी तरह से चुप्पी साध जाते हैं। और अभी तक ये वजह क्लियर नहीं हो पाई है ऋतु के, क्या वजह रही है, ना तो मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ बातें सामने निकल के आई हैं, ना विवेक कुमार ने सामने रखी है, ना ही स्वाति मालीवाल इस विषय पर सबको कुछ जानकारी दे रही हैं। लेकिन जो उनके समर्थक हैं, चाहे स्वाति मालीवाल के हों चाहे अरविंद केजरीवाल के हैं, वो कहीं ना कहीं ट्वीट के जरिए जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले अगर परसों की बात की जाए तो 14 मई को जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले में बचाव करते हुए ये जानकारी तो साझा कर दी कि स्वाति मालीवाल के साथ अपने बचाव में संजय सिंह को पहले उतारा। लेकिन आज ये भी एक साहस है कि इस पूरे बढ़ते मामले को देख के स्वाति मालीवाल के अरविंद केजरीवाल का आखिर वो क्या साहस भी था कि आज वो विभव कुमार को लेकर लखनऊ पहुंचे जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होना ही था। ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से ऑब्वियस था और इस सवाल को बचते वो दिखाई दिए। लेकिन इस पर भी जाएंगे, रामेंद्र आपके पास आएंगे, उससे पहले हम बताते हैं कि भाजपा ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में आम आदमी पार्टी के संरक्षक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उन पर स्वाति मालीवाल को जबरन चुप कराए जाने का आरोप लगाया। सवाल यह उठता है, क्या स्वाति मालीवाल जी को जबरन दबाव बना के कहीं पे रखा हुआ है? सवाल यह उठता है, क्या इस गुंडागर्दी का जो घर बना हुआ है अरविंद केजरीवाल का, यहां पर अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पर उनके पीए ने हाथापाई करी है, गाली गलौज किया? जेल सीएम, बेल सीएम बनता है, 4 जून को फेल सीएम बनेगा। और संजय सिंह ने आखिर क्या कहा था 2 दिन पहले, आइए वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की, इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। और हमारे साथ दो हमारे साथी संवाददाता लगातार बने हुए हैं, रामेंद्र और हमारे साथ गिरीश हैं। रामेंद्र, आपका रुख करेंगे, अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे, संजय सिंह का कहना था कि वो सख्त कार्रवाई इस पर करेंगे, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की चुप्पी ही नहीं बल्कि ये एक बड़ा मामला इसलिए भी है कि स्वाति मालीवाल
कोई आम महिला नहीं है, राज्यसभा सांसद है। मुख्यमंत्री के निवास पर उनको अगर पीटा जाता है, उनके साथ मारपीट होती है, तो ये बहुत बड़ा मसला है। इस पर इतनी खामोशी और इतने हल्के में अगर अरविंद केजरीवाल ने आज न सिर्फ मीडिया के सामने बल्कि देश के सामने भी महिलाओं की अस्मिता को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। गिरीश, सवाल कई उठते हैं। रामेंद्र, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, अपनी आवाज को थोड़ा सा दुरुस्त कर ले। गिरीश, सवाल लगातार अरविंद केजरीवाल पर ही उठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और महिला सुरक्षा पर कई सवाल उठाए हैं। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और महिला सुरक्षा पर इंडिया अलायंस के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उत्पीड़न के साथ ही किसी भी नेता द्वारा अन्य कोई भी गलत कार्य करने पर सख्त कार्रवाई के मामले में, चाहे कोई भी पार्टी या इंडी या अन्य गठबंधन हो, तो इन्हें दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। अर्थात उन्हें बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व में जरूर सबक लेना चाहिए। अंततः आप पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद के साथ सीएम आवास में अभद्रता के गंभीर मामले पर देश की नजर तथा दोषी के विरुद्ध अब तक कार्रवाई नहीं होना अनुचित है। ऐसे में राज्यसभा के सभापति व महिला आयोग को भी इस घटना का समुचित संज्ञान लेने की जरूरत है। और शुचिता ईमानदार सरकार और आम आदमी के विकास का नारा गढ़ने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली शराब घोटाले में फंसने के बाद से बेनकाब हो गई है। अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी की नींव रखने से लेकर अब तक कई बड़े और खास नेता पार्टी से किनारा कर चुके हैं। फिलहाल दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। और ये कुछ नेता हैं जिन्होंने लगातार एक तरह से आम आदमी पार्टी की स्थापना से लेकर एक लंबा साथ केजरीवाल का दिया है, लेकिन पिछले 10 साल के सफर में कई साथियों ने छोड़ा है, जिसमें प्रशांत भूषण है, कानूनी मोर्चे पर पार्टी की कमान संभाले रहे हैं, वहीं योगेंद्र यादव है जो पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने भी एक समय के बाद अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। आनंद कुमार आपके साथ शुरुआत से जुड़े रहे और भ्रष्टाचार आंदोलन में हिस्सा भी लिया। अंजलि दमानिया महाराष्ट्र में आपकी संयोजक रह चुकी हैं। इन तमाम लोगों की केजरीवाल को लेकर कई आपत्ति थी। मयंक गांधी आंदोलन की कोर कमेटी के 24 सदस्यों में से शामिल थे। मयंक गांधी ने भी साथ छोड़ा था। वहीं किरण बेदी ने भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल आंदोलन का बड़ा चेहरा थी किरण बेदी। तो ये वो तमाम नेता हैं जिन्होंने समय समय पर अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ा। शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रह चुकी हैं। विनोद कुमार बिन्नी आपके टिकट पर लक्ष्मीनगर से चुनाव लड़ चुके हैं, इन्होंने भी केजरीवाल का साथ छोड़ा। कपिल मिश्रा ने दिल्ली की आप सरकार में जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं। तो ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का एक लंबे समय तक साथ देने के बाद अपना हाथ छुड़ाया। आशीष खेतान दिल्ली डायलॉग से जुड़े रहे हैं। तो ये वो नेता रहे जिन्होंने समय समय पर अरविंद केजरीवाल के तमाम, एक तरह से कह सकते हैं, पूरी कार्यशैली को लेकर सवाल उठाया था। और आज जब स्वाति मालेवाल, जो कि न सिर्फ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं बल्कि मौजूदा समय में वो राज्यसभा की महिला सांसद हैं, उसके बावजूद सीएम निवास पर अगर उनके साथ मारपीट होती है और उसका संज्ञान लेते हुए अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे रहते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल पर उठ रहा है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने स्वाति मालेवाल से कथित दुर्व्यवहार मामले में इसे आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला बताया है। उनकी ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में सामने आई है जब स्वाति मालेवाल ने खुद पीसीआर कॉल कर उनके साथ मारपीट की शिकायत की थी। यहां तक कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खुद बताया था स्वाति मालेवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने दुर्व्यवहार किया है। ये तो अंदरूनी मामला है आप पार्टी का, ये तो अंदरूनी मामला है आप पार्टी का, ये तो अंदरूनी मामला है आप पार्टी का। उधर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल, संजय सिंह और विभव कुमार की ताजा तस्वीरों पर हमला बोला है। कहा है कि मालेवाल पर हमला केजरीवाल ने ही करवाया था।
सब कुछ सामने आ चुका है कि शीश महल जो बन चुका है अपराध महल, उसमें हमला करवाने वाले स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा महिला सांसद पर, वो और कोई नहीं, वो केजरीवाल ही थे, क्योंकि केजरीवाल के साथ ही विभव कुमार देखे गए एयरपोर्ट पर लखनऊ के। अब बताइए, 72 घंटे होने को है, इस व्यक्ति के ऊपर कोई FIR नहीं की जाती आम आदमी पार्टी के द्वारा। बस 30-32 घंटों के बाद संजय सिंह आकर एक स्टेटमेंट देते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, और ये सख्त कार्रवाई है कि आप विभव कुमार को लेकर घूम रहे हैं। इसका मतलब हमला विभव कुमार ने नहीं किया, हमला जैसे PCR कॉल के रिकॉर्ड में लिखा है जो 2 फोन कॉल किए स्वाति मालीवाल ने, हमला मुख्यमंत्री ने ही करवाया, अरविंद केजरीवाल ने ही करवाया। और सवाल ये बनता है, इसीलिए तो संरक्षण दिया जा रहा है, इसीलिए FIR नहीं की जा रही। उधर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। NCW ने कल उन्हें समन पेश होने के लिए बुलाया है। विभव कुमार पर दिल्ली में CM आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप लगा है। NCW ने कल विभव कुमार को समन भेजकर NCW बुलाया है और उन्होंने कहा है कि इस पर वो अपने पक्ष को रखें और साथ ही साथ इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए NCW ने एक बड़ी कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई के साथ ही ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर एक तरह से ये पूरा संकट और गहराने जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले पे चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। 72 घंटे हो चुके हैं, विभव कुमार ने जिस तरह से CM आवास में अरविंद केजरीवाल के सामने स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा की महिला सांसद हैं उनके साथ जिस तरह से बदसलूकी और मारपीट की, उसके बाद स्वाति मालीवाल ने 2 फोन कॉल करके PCR में इस पूरी घटना की शिकायत की, और उसके बाद से विभव कुमार को लेकर आज अरविंद केजरीवाल खुद अपने साथ संजय सिंह के साथ लखनऊ पहुंचते हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर सवाल पूछा जाता है और इस सवाल पर वो इस सवाल को टालते हैं, असहज होते हैं, और असहज होते हुए वो अपने माइक को अखिलेश यादव की तरफ बढ़ा देते हैं जहां अखिलेश यादव स्वाति मालीवाल के इस पूरे मामले को कहते हैं कि ये मामला, इस मामले से कई और बड़े मामले हैं जिन पर बात होने की जरूरत है। गिरीश, ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और सिर्फ तूल पकड़ने के पीछे का कारण ये भी है कि ये महिला अस्मिता को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलते हैं बिहार के सीतामढ़ी जहां पर अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। स्पष्ट कर देता हूं, मोदी जी ने 500 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे, बाबर के जमाने में राम मंदिर को तोड़ा गया। मुझे बताओ सीतामढ़ी वालों, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी जदयू ने सपोर्ट किया, कांग्रेस पार्टी और RJD कई साल तक राम मंदिर के प्रश्न को लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी को बिहार वालों, आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और मित्रों, वहां मोदी जी ने नारा दिया वो जय सियाराम का दिया। संघर्ष का नारा जय श्री राम था,
मोदी जी ने आके मां सीता को जोड़कर भक्ति और समर्पण का नारा दिया, जय सिया राम। और भाइयों बहनों, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी, ये लालू जी, इनके बेटे खड़गे जी, राहुल बाबा, सबको निमंत्रण दिया गया, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। आप सीतामढ़ी वालों पूछना जरा, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए मालूम है? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। मोदी जी ने अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाया, एक काम पूरा हुआ, अब काम बाकी है मां सीता की जन्मभूमि पर महान स्मारक बनाने का। और ये जो अपने आप को रामलला के मंदिर से दूर रखे हैं, वो नहीं बना सकते। सीता माता का भव्य, उनके त्याग, समर्पण, तपस्या और आदर्श पूरे देश की महिलाओं के रखने वाले जीवन का, इनके अनुरूप स्मारक अगर कोई बना सकता है, मंदिर कोई बना सकता है, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। सीतामढ़ी से अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बार फिर निशाना साधा है कांग्रेस, आरजेडी और तमाम विपक्षी दलों पर। उनका कहना है कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिए जाने के बावजूद भी कांग्रेस, आरजेडी और तमाम दल अगर उस समारोह में नहीं पहुंचे थे, तो उसके पीछे का कारण बस यही था कि तुष्टिकरण का एक कारण है, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्होंने प्रभु राम को नकारा था। तो इस तरह की बातें अमित शाह सीतामढ़ी से कर रहे हैं। साथ ही साथ आइए और कुछ खबरें बताते हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी रिमांड पर लेगी। आज पीएमएलए अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, जबकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। गौरतलब है कि टेंडर कमीशन घोटाला और नकदी बरामदगी के मामले में पूछताछ के बाद कल ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। 6 दिन 10 दिन के लिए हम लोगों ने रिमांड मांगा गया था। अभी जितना भी पैसा निकला था रिकवरी उनके पीएस के यहाँ के स्टाफ के यहाँ से, उन सब ग्राउंड्स को सारा उन लोगों का स्टेटमेंट के बेसिस पे, इनका स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया गया था कि इनके खिलाफ में ऑफेंस बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो सारा पैसा इन्हीं का है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसी के बेसिस पे हमने रिमांड मांगा। और दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, 6 दिन की रिमांड ईडी को मिली है, हालांकि माना जा रहा है कि इस 6 दिन में भी कई ऐसे हो सकता है पहलू सामने आए, वो नेक्सस सामने आए, जिसकी आड़ में इतना बड़ा जखीरा नकदी का सामने आया था। देखिए, निश्चित तौर पर नीति एक के बाद एक जो झारखंड में पढ़ते हैं वो लगातार खुल रही है कि किस तरीके से मंत्री आलमगीर आलम के जो पीएस थे, आप तो सचिव थे, उनके नौकर के घर से करीब 35 करोड़ रुपया बरामद होता है। और उसके बाद जब 12 तारीख को ईडी की ओर से मंत्री, जो ग्रामीण विकास मंत्री है आलमगीर आलम, उन्हें सम्मन जारी किया जाता है, और जब एक ही दिन की पूछताछ होती है तो उनके बॉडी लैंग्वेज से ये लगने लगता है कि वो कहीं ना कहीं ईडी की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। और कल जब लगातार मुश्किल से 4-5 घंटे की पूछताछ हुई, तो लगता है कि ईडी के सामने उन्होंने सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से ये रैकेट चल रहा था, और उसके बाद इंट्रोगेशन के लिए ईडी ने कल उनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद आज उन्हें पीएमएलए की जो विशेष अदालत है उसमें पेश किया गया आपसे थोड़ी देर पहले। और उसके बाद हालांकि ईडी की ओर से यह मांग की गई कि ये जो टेंडर घोटाला है और ये जो नकदी का मामला है, जिस तरीके से उनके आप्त सचिव संजय लाल और जहांगीर आलम जो उसका नौकर है, इन दोनों से जो पूछताछ हुई है और जिस तरह की जानकारी ईडी को मिली है, तो उसकी परतों को खोलने के लिए उन्हें और भी वक्त की जरूरत है। इसलिए कम से कम आलमगीर आलम की 10 दिन की रिमांड दी जानी चाहिए, ऐसा ईडी के वकील ने आज कोर्ट में कहा। हालांकि कोर्ट की ओर से उन्हें 6 ही दिन की रिमांड मिली है, लेकिन लगता है कि 6 दिन में जब ईडी की ओर से इन तीनों को बैठाकर एक साथ ईडी पूछताछ करेगी, तो ये जो पूरा नेक्सस है, पूरा जो नेटवर्क है कि किस तरीके से जो कैश का लेन देन हुआ है और उसको एक फ्लैट में छिपाकर रखा गया था, और टेंडर का जो घोटाला है
झारखंड में, उसमें किस तरीके से और भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है कि जिस तरीके से जब्ती, जब पिछले बार जब इस महीने के शुरुआती दिनों में जब छापेमारी की गई थी, लगभग 9 जगह पर छापेमारी की गई थी, उसमें जहांगीर आलम के घर पे छापेमारी की गई थी, कई बिल्डर्स के घर पे छापेमारी की गई थी, तो कई डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। तो तमाम चीजों को ईडी खंगालने का काम कर रही है और कल इनके भी मोबाइल को ईडी ने जब्त किया और उसके बाद हो सकता है कि बिल्कुल दिवाकर, ईडी के लिए ये 6 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। झारखंड की जनता भी जानना चाहती होगी कि भ्रष्टाचार के जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं, आखिर उसमें ईडी को और क्या हासिल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें जारी रहेंगी। मिड डे प्राइम की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो